अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के इस वीडियो में मैं कोई रूटीन वगैरह शेयर नहीं करने वाली हूँ। मेरा मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने वीडियो के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चैनल पर मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, उससे किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक देकर वीडियो को डिलीट करवा दिया है। आप लोग देखे ही होंगे उसमें मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो किसी ने वीडियो को डिलीट करवा दिया। मैंने जस्ट अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन ही दिया है उस वीडियो पे, ना मैंने किसी को उसमें कुछ गलत मैंने किसी के बारे में बोला है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसे डिलीट करवाने वाली वीडियो थी। तो ये तो देखिए, मुझे तो पता है किसने ये करवाया है, लेकिन जिसने ये करवाया है ना, उसे ज़रूर हमारे फैमिली से प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो पे मैंने खुद का कंटेंट दिखाया है। जितना भी मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें मैंने दूसरे का कंटेंट उठाकर नहीं दिखाया। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का कंटेंट उठाकर पूरा डालकर वीडियो को चलाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमारे यहाँ पे खुद का कंटेंट है। बस हज़ारों लोग तुम्हारे नाम पे वीडियो बना रहे हैं, तुम उसका कुछ नहीं कर पाती हो, तो जाओ सबको कॉपीराइट स्ट्राइक दो। और स्ट्राइक देने से क्या होता है, एक वीडियो पे तुमने एक वीडियो पे स्ट्राइक दिया है, तुम अगर मेरा चैनल भी ख़त्म करा दोगी तो मैं ऐसे 50 चैनल बना लूँगी, तो फिर कितना स्ट्राइक दोगी तुम? स्ट्राइक देते देते तुम थक जाओगी, मैं नहीं थकूँगी। क्योंकि मैंने उस इंसान का मैंने एक टाइम पर बहुत हेल्प किया है, जब उसके 8-9 ही सब्सक्राइबर्स थे, जब उसके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते थे, तो मैंने तब मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे थे, तब मुझे कम्युनिटी टैब भी मिल चुका था। मैंने उसको हेल्प किया है, मैंने उसका वीडियो अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया है। हेल्प लेने के टाइम पे उसने हेल्प ले लिया, अब जब हेल्प देने की बारी आती है तो गिरगिट के जैसे उसने रंग बदल लिया पूरा टोटली। मतलब इंसान कितना मतलब गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, कोई उस इंसान से सीखे। और देखिए उस वीडियो पे ना 11,000 ही व्यूज़ आए थे, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि किसी के चैनल पर इतना व्यूज़ कैसे आ सकता है। तो लोग तो यहाँ पे मेहनत भी तो मेरा है ना, कंटेंट मैं डाल रही हूँ, रात दिन मैं कंटेंट डाल रही हूँ, मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, उसमें क्या मेहनत नहीं लगती है? मैं आसमान दिखा दूँगी तो ये लोग देख लेंगे है, क्योंकि मैं सुबह उठ कर देखती हूँ मेरा चैनल पे मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। तो उसने मुझे पहले कुछ बोला भी नहीं, ना वार्निंग दिया ना कुछ किया, डायरेक्टली उसने स्ट्राइक कर दिया। तो मेरा मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है, हमने बहुत पेशेंस रखे हैं, हमें ये करना रहता तो हम 2 साल पहले ही कर लेते। अगर मेरी जगह वो होती ना तो वो तो इतना वेट भी नहीं करती, पहले ही कर लेती। जैसे मेरा जैसे मुझे कम्युनिटी टैब मिला था वो पागल हो गई थी, मेरे वीडियो पोस्ट करो मेरे वीडियो पोस्ट करो करके पागल हो गई थी। अगर उसके जगह हम होते और हमारे जगह वो होती तो क्या वो छोड़ देती? वो 2 साल पहले ही अपना काम निकाल लेती। तो मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ अपने वीडियो पे गलत किया है। और आप लोगों से बहुत ऐसे लोग हैं ना जो रॉ कंटेंट मतलब पूरा वीडियो उठाकर डाल देते, तो आप तो उसका कुछ नहीं कर पाती, जाओ कॉपीराइट स्ट्राइक दो। बस मैं तुम जितना भी स्ट्राइक देती रहोगी, मैं और भी चैनल्स बनाऊंगी, मैं 50 ऐसे चैनल बनाऊंगी, देती रहो स्ट्राइक, मेरा कुछ आता जाता नहीं है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं उसका प्रूफ भी दूंगी कि मैंने कैसे उसका हेल्प किया, मैंने तब उसके कितने सब्सक्राइबर्स थे, तब उसे व्यूज़ कितने आते थे, उसने कैसे मेरा हेल्प लिया है। मेरा सारा कम्युनिटी पोस्ट पे उसका वीडियो अभी भी है, मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। बस इतना ही आज के लिए गाइस। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें मेरा ये इंडियन मॉम फैमिली चैनल है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। मैं यूट्यूब पे किसी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मैं मजबूरी में मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो जो है डिलीट करवाया गया है। मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने जस्ट अपनी फैमिली इंट्रोडक्शन ही दिया है। और मैं अगर किसी का हेल्प मैं अगर खुद से दूसरे लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका कंटेंट उठा कर डाले उससे प्रॉब्लम नहीं, बस हमारा मतलब व्यूज़ नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे नहीं रहना चाहिए, मतलब मेरे बच्चों से मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है मेरा ये टोटली मैं अपना ही कंटेंट डालती हूँ, मैं किसी का कंटेंट उठाकर नहीं डालती हूँ, और यहाँ पे मेरे बच्चों का ही दिखाती हूँ, मेरे फैमिली जो है उसका ही दिखाती हूँ। तो मतलब यहाँ पे बात जाहिर होती है कि उसे बच्चे से भी प्रॉब्लम है, मुझसे भी प्रॉब्लम है, मेरे कंटेंट से भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तुम दिखाती ही रहो, ही प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि हम उसी के इर्द गिर्द ही दुनिया है, कोई उससे ऊपर चले जाए या किसी का व्यूज़ अच्छा आ जाए तो उसे ये चीज़ हज़म नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वो स्ट्राइक देती है। मेरा जो इंडियन मॉम फैमिली चैनल है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बना रही हूँ और कंटेंट डाल रही हूँ, आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें सपोर्ट ज़रूर करना, और आपको खुद ही पता लग जाएगा यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है।